त्रिभुवन सिंह, आज शिक्षा मित्र के लेकर भी कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट सरकार चली गई है, अनुदेशक को लेकर ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट शिक्षा मित्र को लेकर भी चली गई। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या गरीबों के पैसे देने में सरकार को दिक्कत कहां रही है? आदरणीय शुक्ला जी और जितने भी पैनल में लोग बैठे हैं, सभी को मेरा नमस्कार। अरे मिश्रा जी देखिए, बना रहने दो, हम तुम्हें बहुत याद दिलवाते हैं कि हम शुक्ला जी नहीं है, ये तो कम से कम हमारी साख बनी रहने दो मार्केट में, इसे क्यों खो रहे हो? बात दरअसल ये है कि शिक्षा मित्र हो या अनुदेशक हो, इन दोनों ही मामले में मैंने ये देखा है और पाया है कि जो संविधान है, भारतीय संविधान है, उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैं आपको एक पुराने प्रकरण में ले जाता हूं कि वर्ष 2020-21 में कोरोना काल आया था और पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगाई गई थी, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आंगनवाड़ी और तमाम लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। उस ड्यूटी में हजारों लोग, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, सहायक अध्यापक लोग हताहत हुए, मरे, जिसको लेकर के 25 जुलाई 2022 को हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला आता है। ये लगभग है 14-15 पेज का है। ये हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला आता है और डबल बेंच में आपके अट्टू रहमान मसूदी जी, हॉनरेबल अट्टू रहमान मसूदी और हॉनरेबल विक्रम डी चौहान, ये कहते हैं कि सारे लोगों को पैसा दिया जाए। जो भी हमने तथ्य पाए वो सही है। अब मामला क्या होता है, 30 लाख रुपए का गरीब को जा रहा है, गरीब को 30 लाख रुपए मिलेगा, तो उस गरीब को कैसे रोका जाए, उसको लेकर के सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है कि गरीबों को पैसा नहीं देना है। देख लीजिए मिश्रा, हम आपको ऑर्डर भेज देंगे सुप्रीम कोर्ट का। ये सुप्रीम कोर्ट सरकार जाती है 7/11/2022 को सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है द स्पेशल लीव पिटीशन आर डिसमिस, मतलब आपकी पिटीशन को डिसमिस किया जाता है। और एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर आप उस मामले से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप रिव्यू में जा सकते हैं एक मामले में। अब क्या होता है कि माननीय सरकार के जो अधिकारी हैं, ये 90/2023, देख लीजिए मिश्रा जी, मैं बिना सबूत के बात नहीं करता हूं, तथ्य के, ये मेरी आदत है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के बाद सरकार जाती है हाई कोर्ट में 25 जनवरी 2023 को, ये जो सुप्रीम कोर्ट से उनकी याचिका खारिज होती है और उसमें सुप्रीम कोर्ट एक मामले में ये कहती है अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप हाई कोर्ट जाइए। अब क्या होता है कि जब सरकार 25 जनवरी 2023 को हाई कोर्ट जाती है तो हाई कोर्ट की डबल बेंच, जिन्होंने फैसला सुनाया था 25 जुलाई 2022 को, वही बेंच कहती है नहीं, हमने जो फैसला सुनाया था वो बिल्कुल सही है और कोविड काल में जो लोग मरे हैं उनको आपको पैसा देना पड़ेगा। ये वो लोग हैं साहब जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके आपकी योजनाओं को पूरा किया, आपके चुनावी कार्यक्रम को पूरा किया, संपन्न कराया, ये वो लोग हैं। अब आप समझिए कि न्यायपालिका का किस तरीके से प्रयोग होता है। आपने भी राहुल गांधी वाला बयान दिया, हालांकि उस मसले पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। आपको यह भी बता दें कि जिस मामले में राहुल गांधी जी को सेशन कोर्ट ने जो भी कहा, उनके जज साहब को उसका उपहार भी मिल गया, आपने ये बात नहीं बताई। जिस जज साहब ने, राहुल आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, मैं राहुल गांधी का प्रवक्ता नहीं हूं जो उनकी हर बात बताऊं, मैं नहीं नहीं आपको उठाता हूँ जो आम जनहित की बात है। राहुल गांधी का प्रवक्ता नहीं, ये आप नहीं, नहीं, मैं राहुल गांधी का प्रवक्ता नहीं, मैंने ये बताया कि ये छोटे से आर्डर को लागू करने के लिए, वही मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जो संविधान है, 27,000 परिवार के भोजन की बात थी,
तो पिछले 100 दिन से कोई कार्रवाई नहीं, 4 माह से। जिस जो हिंदुस्तान का संविधान है, वो संविधान की जो परिभाषा है, वो सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सारी बराबर है। मेरा केवल इस सरकार के जो अधिकारी है, आप की सरकार में जो लोग ड्यूटी करते हैं, जिनको 30 लाख रुपए मिलना है, उसको लिए आप हाई कोर्ट जाते हो, हाई कोर्ट में हार जाते हो, हाई कोर्ट कहता नहीं सही है, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो, सुप्रीम कोर्ट कहता है डिसमिस, काम खत्म। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि आप रिव्यू में जा सकते हैं एक मामले में। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर सरकार 25 जनवरी 2023 को हाई कोर्ट जाती है, और हाई कोर्ट में वही बेंच कहती नहीं, हमने जो फैसला सुनाया था आपको देना पड़ेगा। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उस मामले में केवल एक व्यक्ति को भुगतान हुआ है मात्र 30 लाख रुपए का, और जो भी अन्य 6 रिट याचिकाएं थी, किसी को भी भुगतान नहीं किया गया है। ये कहां का न्याय है? मेरा सवाल और मेरी बात केवल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे है। दूसरी बात, अभी एक मामला समान कार्य समान वेतन पर चल रहा है, जो कि गोंडा के सॉरी वाराणसी के हैं भारती जी, उनके द्वारा डाला गया है। और ये भी मामला मैं बता दूं, शिक्षा मित्रों से संबंधित है, समान कार्य समान वेतन का। इसमें रिट याचिका रिट ए 51/12/2023, रिट ए 445/72/2023, रिट ए 45/66/2023, रिट ए 43/68/2023, 43/67/2023, ये सारी रिटे कनेक्ट है। और इस मामले में अब सुनवाई नहीं हो रही है माननीय न्यायालय में। हमें एक चीज समझ में नहीं आती है कि जब सरकार के पक्ष में कोई फैसला आता है तो रातों रात शासनादेश जारी हो जाता है, रातों रात उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है, सारी चीजें तुरंत हो जाती है। और जब वही मामला शिक्षा मित्र अनुदेशक के पक्ष में आता है तो रातों रात कार्रवाई क्यों नहीं शुरू होती, रातों रात उस पर लागू क्यों नहीं किया जाता? आखिर जो भारतीय संविधान कहता है उसका पालन क्यों नहीं किया जाता? आपने देखा कि ईपीएफ की लड़ाई हम कानपुर से जीते, ईपीएफ वो लखनऊ से जीते, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से जीते, और उसमें मेडिकल है, पेंशन है और भी सारी सुविधाएं हैं, और आज तक उसको सरकार जो है कोर्ट में घेरे हुए है कोर्ट में, और जबकि उसमें लगभग कई करोड़ रुपया गवर्नमेंट का सीज हो चुका है, उसके बावजूद भी सरकार वो व्यवस्था लागू नहीं कर रही है। तो मेरा केवल एक सवाल है कि शिक्षा मित्र हो या निदेशक हो, न्याय की परिभाषा बराबर है, भारतीय संविधान इक्वल है, तो क्यों नहीं शिक्षा मित्र निदेशक और जितने लोग हैं उनको लाभ मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता है? सवाल नहीं, नहीं नहीं त्रिभुवन सिंह, न्याय की परिभाषा हमेशा अलग रही, आज नहीं, न्याय नहीं, भारतीय संविधान के हिसाब से सर, बाबा साहब के हिसाब से जो किताबें लिखी गई वो बिल्कुल सेम है, लेकिन अम्बेडकर के संविधान से ही देश चलाते हैं, लेकिन उन्हीं कानूनों का, उन्हीं प्रोग्रामों की अवहेलना करते हैं, उन्हीं संविधान के कानून और नियमों को तोड़ते हैं। डॉक्टर त्रिपाठी जी कुछ कह रहे थे, डॉक्टर